नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज। प्रदेश के अन्य लोकसभा क्षेत्रों के साथ रायपुर लोकसभा क्षेत्र में भी मतगणना की शुरुआत बैलेट पेपर के बाद ईवीएम से गिनती शुरू हो चुकी है। रुझानों में भाजपा प्रत्याशी ब्रिजमोहन अग्रवाल बढ़त हासिल कर चुके हैं। रायपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस बार नया इतिहास रचने की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने वाले 8 बार के विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल को भाजपा ने पहली बार लोकसभा चुनाव में उतारा है। ब्रिजमोहन अग्रवाल का मुकाबला कांग्रेस के हारे प्रत्याशी विकास उपाध्याय से है। साल 2019 आम चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी। बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी ने कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद दुबे को 3,48,238 वोटों से हराया था। सुनील सोनी को 8,37,902 वोट मिले थे, जबकि प्रमोद दुबे को 4,89,664 वोट हासिल हुए थे। इस सीट पर कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में थे।